स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जमीन पर अच्छे से चल पाते हो, ठीक है, जब आप नाव से उतरते हो तो क्या होता है, जब हम उतरते हैं तो नाव क्या है, पीछे की तरफ गति करती है। तो हमें लगता तो क्या है कि बहुत ही कॉमन चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं, लेकिन जब हम इनको पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, अ लिटल बिट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है ए और इधर दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ये जो ए है ये इस बी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, दैट मीन्स वो इसके ऊपर क्या लगाता है, एक बल लगाता है। हम उस बल को नाम दे देते हैं एफ ए, ठीक है। एट द सेम टाइम जो बी है वो भी क्या करेगा, ए के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो उसमें क्या होगा कि बी भी ए के ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा और उस फोर्स को कहेंगे एफ बी, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया और बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया, तो इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया और वो जो फोर्स लगाया है वो इक्वल होगा और एक दूसरे के अपोजिट होगा। दैट मीन्स जो ए ने फोर्स लगाया दैट इज इक्वल टू बी, बट दोनों जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहां पर माइनस का साइन यूज कर लेंगे। अब इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पर टू फोर्सेस अप्लाई हुए हैं, एक ए ने लगाया है और दूसरा बी ने। तो इन दोनों फोर्सेस में से हम एक फोर्स को, एक बल को नाम दे देंगे एक्शन और दूसरे फोर्स को नाम दे देंगे रिएक्शन। एक्शन को हिंदी में बोलते हैं क्रिया और रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिक्रिया, ठीक है। लेकिन हम किसी भी एक पर्टिकुलर फोर्स को एक्शन नहीं बोल सकते और एक पर्टिकुलर फोर्स को रिएक्शन नहीं बोल सकते। यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि मान लेते कि इसने जो फोर्स लगाया ए ने वो एक्शन है, तो बी ने उसके लिए क्या किया, रिएक्शन किया, ठीक है। तो अब देखो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ भी यही कहता है, टू इन एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक एक्शन के लिए हमेशा बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। कि किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर जब बल लगाती है उसको हमने नाम दे दिया क्रिया, तो दूसरी वस्तु भी उस पर उतना ही लेकिन विपरीत दिशा में क्या लगाएगी, बल लगाएगी, ठीक है। अब देखो जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं बच्चे, ये दोनों हमेशा डिफरेंट बॉडीज के ऊपर वर्क करते हैं। मतलब एक वस्तु के ऊपर अगर एक्शन काम करता है तो जो रिएक्शन है वो दूसरी वस्तु पर काम करेगा। दोनों फोर्स कभी भी एक ही ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं हो सकते। इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक टेबल है, इस टेबल पर क्या रखी हुई है, एक बुक रखी हुई है, ठीक है। तो बुक का जितना वेट है ये बुक क्या करेगी, उतना ही फोर्स इस टेबल के ऊपर अप्लाई करेगी। इसको एफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय बुक, ठीक है। उसके इसके रिएक्शन में क्या होगा, टेबल भी क्या करेगी, इस बुक के ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी और वो जो फोर्स अप्लाई करेगी वो कौन सा फोर्स हो जाएगा, एफ टी नाम दे दिया हमने, ठीक है, फोर्स ऑफ टेबल, मेज का बल। तो इस केस में क्या हुआ कि इसने, बुक ने टेबल के ऊपर फोर्स लगाया और टेबल ने भी सेम उतना ही और अपोजिट डायरेक्शन में बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। तो जब बुक ने फोर्स अप्लाई किया तो इसने जो फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स किसके ऊपर लगता है, टेबल के ऊपर, और जब टेबल फोर्स अप्लाई करेगी बुक के ऊपर तो वो फोर्स किसके ऊपर लगेगा, बुक के ऊपर। तो यहां पर हम क्या कह देते हैं कि जो बुक ने टेबल के ऊपर फोर्स लगाया दैट इज एक्शन, ठीक है, वो हो गई क्रिया। और टेबल इसके लिए क्या करेगी, अगर इसने फोर्स अप्लाई किया तो टेबल भी क्या करेगी, बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, उसको हमने क्या नाम दे दिया, रिएक्शन। अब आप खुद बताओ कि एक्शन कहाँ काम कर रहा है और रिएक्शन कहाँ काम कर रहा है, ठीक है, सोचना इसे और बताना मुझे। बाकी मैं आपको बता भी देती हूँ कि इस केस में जो एक्शन है वो अप्लाई होता है टेबल पर, क्योंकि बुक फोर्स अप्लाई करती है एफ बी, इसी को हमने एक्शन माना है।
तो एक्शन फोर्स किसके ऊपर अप्लाई होगा? टेबल पर। तो रिएक्शन किसके ऊपर अप्लाई होगा? बुक पर। तो एक्शन और रिएक्शन जो है हमेशा टू डिफरेंट बॉडीज पे वर्क करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी डेली लाइफ में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के क्या यूजेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी बंदूक का प्रतिक्षेप करना। प्रतिक्षेप का मतलब होता है बंदूक का हल्का सा पीछे की तरफ गति करना, रिकॉइलिंग ऑफ गन। इसमें देखो होता क्या है, जब भी हम किसी भी गन को फायर करते हैं तो बुलेट के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, ये गन है ठीक है। जब भी हम इससे क्या करेंगे, गन को फायर करेंगे तो बुलेट क्या है आगे की डायरेक्शन में जाएगी ठीक है। जैसे ही गन क्या करेगा, बुलेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो बुलेट के ऊपर जैसे ही फोर्स लगेगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। अब आपने क्या देखा, गन ने बुलेट के ऊपर क्या लगाया, फोर्स। तो बुलेट भी क्या करेगी, गन के ऊपर फोर्स लगाएगी, उतना ही फोर्स लगाएगी, इक्वल फोर्स लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। दैट मीन्स हमने यहां से बंदूक चलाई, जब बंदूक चलाते हैं तो बल किसके ऊपर लगता है, गोली के ऊपर लगता है। जब गोली के ऊपर बल लगा तो गोली आगे की दिशा में चली गई ठीक है। और उसी टाइम पे जो गोली है वो भी क्या करेगी, बंदूक के ऊपर बल लगाएगी, और उतना ही बल लगाएगी जितना कि गन ने इसके ऊपर लगाया है। और उसी बल लगने की वजह से जो गन है वो पीछे की तरफ मूव करती है, तो बुलेट आगे की डायरेक्शन में चली जाएगी और जो गन है वो पीछे की डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। बट आप एक चीज नोट यहाँ कर रहे होंगे कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई किया, सेम फोर्स अप्लाई करने के बाद भी क्या हुआ, जो बुलेट है वो एक बहुत हाई वेलोसिटी के साथ आगे चली गई, बहुत ही ज्यादा वेग के साथ गति करेगी, लेकिन जो गन है वो बहुत ही कम वेग के साथ पीछे की तरफ गति करेगी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो बुलेट का मास है वो इस गन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है ठीक है। आपको पता है बुलेट बहुत छोटी होती है साइज में, गन का साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा। और बुलेट का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू द गन ठीक है। अब आपने जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू एम वी ठीक है। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, तो एक्सेलरेशन के साथ जो मास मल्टीप्लाई में है वो इधर आके किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा ठीक है। अब जो फॉर्मूला है ये क्या शो करता है कि जो एक्सेलरेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। डायरेक्टली का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर फोर्स इंक्रीज होगा तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा, अगर किसी वस्तु पर बल ज्यादा लगेगा तो उसका त्वरण भी बढ़ जाएगा ठीक है। और इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा हो जाना, कि जो द्रव्यमान है अगर द्रव्यमान बढ़ रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यदि द्रव्यमान घटता है, यदि मास डिक्रीज होता है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इनक्रीज ठीक है। तो जैसे ये बिल्कुल आमने सामने है, दैट मीन्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मीन्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये एक दूसरे के समानुपाती है और ये एक दूसरे के विरुद्धकर्मानुपाती है ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखो, बुलेट का मास क्या है, कम, गन का मास क्या है, ज्यादा। अब होगा क्या, बुलेट का मास कम होने की वजह से, मास कम तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, वहां पे मास ज्यादा है और मास ज्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मास और एक्सेलरेशन दोनों के एक दूसरे के अपोजिट है। तो उस केस में देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, कि किसी वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन होता है। तो इसका मास कम होने की वजह से, मास अगर कम है बेटा तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा, त्वरण कितना हो जाएगा, ज्यादा। त्वरण ज्यादा का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो भी ज्यादा आएगा ठीक है। अब गन है, इस गन का मास क्या है, ज्यादा, गन का मास ज्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, तो इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो क्या जाएगा, बहुत ही कम, क्योंकि यहाँ इसका मास क्या है, ज्यादा है। इसी वजह से बुलेट एक हाई वेलोसिटी के साथ आगे जाती है, बट गन जो है वो बहुत ही कम वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ गति करती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सड़क पर चलना, वॉकिंग ऑन द रोड। जब आप रोड पर चलते हो तो क्या करते हो, आप अपने पैरों से ग्राउंड को पीछे की तरफ
पुश करते हो, जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हो, और फिर उसी के बदले में जो जमीन है वो भी आपके ऊपर उतना ही बल लगाएगी जितना कि आप ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर बल लगाते हो। और आप जब पैरों से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हो तो सेम टाइम पे जो ग्राउंड है वो क्या करती है, आपके ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी और आपको आगे की डायरेक्शन में पुश करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप जो है चलना शुरू कर दोगे। और अगर हम इस केस में देखें तो हमें अपनी तो मोशन, अपनी तो वेलोसिटी में चेंज दिखाई देता है, बट लैंड की वेलोसिटी में चेंज दिखाई नहीं देता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्राउंड है, जो जमीन है, उसका जो द्रव्यमान है वो बहुत ही ज्यादा है, और इतना ज्यादा है कि वहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो बहुत ही कम होगा। दैट मीन्स देयर इज वेरी लिटिल चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ द ग्राउंड, और वो इतना कम होगा कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दैट इज नॉट विजिबल टू आर आईज, जो हमारी आईज को विजिबल भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, नाव से उतरने पर नाव पीछे चली जाती है। जब भी आप नाव से उतरते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, अब अपना एक पैर आगे रखोगे तो आपका जो दूसरा पैर है वो तब तक नाव के ऊपर है, तो आप अपने पैर से नाव को पीछे की तरफ धकेलते हो, तो सेम टाइम पे नाव भी आपके ऊपर क्या लगाएगी, बल लगाएगी, और उतना ही बल लगाएगी जितना आपने नाव पर लगाया। तो आपने जब नाव के ऊपर बल लगाया पीछे की दिशा में, तो नाव भी क्या करेगी, आपके ऊपर एक बल लगाएगी और आपको आगे की दिशा में धकेल देगी। इसी वजह से आप आगे चले जाते हो और नाव क्या है, पीछे की तरफ गति करती है। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।